ओके okay. uh, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज अबाउट वन सिक्स टाइम्स दट ऑन अर्थ ही कैन लिफ्ट अ मास ऑफ फिफ्टीन के जी ऑन अर्थ वट विल बी द मैगजिम मास विच कैन बी लिफ्टेड बाई द सेम फोर्स अप्लाइड अपलाइड द पर्सन ऑन द मून ठीक है तो देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझ के लेते हैं वेट का फॉर्मूला क्या रहता है एम इंटू जी है ना मास इंटू एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी तो वो वेट निकलता है लेकिन इन्होंने रिलेशन दिया है हमको वेट ऑन मून वेट ऑन मून इज इक्वल टू वन सिक्स ऑफ वेट ऑन अर्थ वन सिक्स ऑफ वेट ऑन अर्थ अर्थ के ऊपर जितना वेट होता है उसका वन सिक्स करेंगे तो वो मून पे वेट होगा ऐसा वो बोल रहे हैं राइट तो ये रिलेशन उन्हें क्वेश्चन में दिया अपने को सही है ये रहा वेट ऑन मून इज कॉल्ड वन सिक्स ऑफ वेट ऑन अर्थ अभी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं वेट का फॉर्मूला क्या एम एन टू जी तो यहां पर मास होगा करेक्ट जी होगा लेकिन जी किधर का मून का मास तो सेम होगा मास चेंज नहीं होता है वन सिक्स ऑफ जी ऑफ अर्थ है। लेकिन सिर्फ जी ऑफ अर्थ नहीं होगा ना अर्थ के ऊपर मास कैसे निकालते हैं हम लोग एम इन टू जी ऑफ अर्थ ओके क्या क्या कट होता है मास और मास कट गए तो मैं ऐसे बोल सकता हूं वेट का जो रिलेशन है वो एक्चुअली जी का भी रिलेशन है जी ऑफ मून इज इक्वल टू वन सिक्स ऑफ जी ऑफ अर्थ ये हो गया रिलेशन जी का तो जी का रिलेशन क्या है मून के ऊपर जितना जी का वैल्यू है वो अर्थ के वन बाई सिक्स नौ इन्होंने पूछा है कि अर्थ मून के ऊपर कितना उठा लेगा वेट अगर अर्थ के ऊपर ये पंद्रह किलो का वेट उठा सकता है तो मून पे कितना वेट उठा लेगा तो मून पे अगर वेट हमको निकालना है कि कितना उठा सकता है राइट तो मून के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर्मूला क्या रहता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम जी है ना मतलब मून के ऊपर कितना मास उठा लेगा तो मास विल बी इक्वल टू एफ बाई जी सही है तो ये किधर का है ये मून का है करेक्ट और ये जो फोर्स है ये किसका फोर्स है जो वो पर्सन अप्लाई कर रहा है राइट right? जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है तो अर्थ के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा था वो क्योंकि पर्सन तो सेम है ना पर्सन इधर भी सेम है अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर तो अर्थ के ऊपर वो जो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा था तो, तो वो कितना मास खींच रहा था 15 राइट right? तो 15 इंटू जी ऑफ वॉट अर्थ सही है ये अर्थ के ऊपर की सिचुएशन है ना इतना फोर्स वो अप्लाई कर रहा था तो सेम फोर्स अप्लाई करेगा मून के ऊपर भी ओके okay, तो वी कैन सब्सटीट्यूट हियर मास इज इक्वल टू ये फोर्स किसका है पर्सन का है तो वो मून के ऊपर भी उतना ही फोर्स वहां पे अप्लाई करेगा 15 टाइम्स ऑफ जी ऑफ अर्थ और यहां पे क्या है नीचे जी ऑफ मून अब इतना तो हमको पता है कि जी ऑफ मून का वैल्यू कितना है इट इज वन सिक्स ऑफ जी ऑफ अर्थ तो फिफ्टीन इंटू जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वन सिक्स ऑफ जी ऑफ अर्थ सही है क्या क्या कट होगा इसमें जी ऑफ अर्थ जी ऑफ अर्थ वो सिक्स कहाँ जाएगा ऊपर तो कितना मास ले सकते हैं फिफ्टीन इंटू सिक्स दैट विल बी नाइन्टी के जी तो ये बंदा जो पंद्रह किलो उठा रहा है अर्थ के ऊपर वो मून के ऊपर कितना उठा सकता है नाइनटी के तक उठा सकता है फिफ्टीन इंटू सिक्स दैट इज नाइन्टी